पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। आइए उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों से रूबरू होते हैं। शाहजहांपुर में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि बांदा में धार्मिक स्थल पर उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की गई है, उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए तथा मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया जाए। किन समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं? यह अभी हाल ही में बांदा के अंदर एक मस्जिद का गेट बनाया जा रहा था, प्रशासन की परमिशन से, एडीएम साहब की परमिशन थी उनके पास, और वो काम कर रहे थे अपना, और उसमें जाकर कुछ विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों ने जाकर वहाँ तोड़फोड़ करी। इसी बात से आहत होकर इसलिए अल्पसंख्यक समाज एक होकर आया है कि अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, कि सभी धर्मों का आधार है, सभी धर्म एक समान है, जवान नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में से भाई भाई। अगर वो कार्य परमिशन की मदद से हो रहा था, अगर कोई आपत्ति थी परमिशन गवर्नमेंट को, तो प्रशासन मौजूद था, वहाँ रोक सकता था। कि आम लोगों ने जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है, ये अच्छा नहीं है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यही हमारा है आपसे अनुरोध, हमारी आवाज़ को पहुँचाया जाए अधिकारियों तक, ताकि जिन्होंने ये शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें कई दिन से जिला अधिकारी को मिल रही थी, और इसी को देखते हुए जिला अधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह को निर्देशित किया कि वे जिला चिकित्सालय जाकर औचक निरीक्षण करें। आशीष कुमार सिंह जब जिला चिकित्सालय पहुँचे तो वहाँ कई स्थानों पर गंदगी दिखाई पड़ी। टॉयलेट से लेकर के कोनों में भी डस्टबिन रखे हुए थे, वहाँ पर पानी और गंदगी साफ दिखाई पड़ रही थी। जिला अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में आशीष कुमार सिंह ने निर्देशित किया कि गंदगी को साफ किया जाए तथा किसी प्रकार की अनियमितता ना बरती जाए। विद्युत संविदा मजदूर संगठन के द्वारा लगातार एक महीने से अधिक समय से धरना दिया जा रहा है। वे हड़ताल पर हैं और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष सभी मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार धरना देने के बाद, प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी जब मजदूरों की नहीं सुनी गई, तो आक्रोशित मजदूरों ने आज अधीक्षण अभियंता का घेराव करने का मन बना लिया, और जैसे ही सैकड़ों मजदूर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में एकत्र हुए, अधीक्षण अभियंता मौके से फरार होने की सोचने लगे। घबराकर अधीक्षण अभियंता ने आनन फानन में पुलिस बुला ली और पुलिस के साथ वे कार्यालय से बाहर निकल गए। लेकिन अधीक्षण अभियंता के द्वारा इस तरीके से निकल जाने से मजदूरों का आक्रोश और गहरा हो गया। मजदूरों ने कहा कि अधीक्षण अभियंता न हमारी बात सुनना चाहते हैं और न ही हमसे कोई हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप विभागीय अधिकारियों पर भी लगाया। आपको बता दें, लगातार 4 माह से इन मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, साथ ही 10 माह का ईपीएफ भी बकाया है। संविदा मजदूर लगातार अपनी वेतन और ईपीएफ दिए जाने की मांग कर रहे हैं। होली का त्यौहार नज़दीक है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का दिल पसीज नहीं रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ये हमारा प्रशासन, हमारे अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारा जुझारू संविदा कर्मचारी हर घर में उजाला करता है, लेकिन आज इसके घर में खुद अंधेरा है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा 4 माह का वेतन और 10 माह का पीएफ नहीं जमा किया गया। इसमें हमारे अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिली भगत है। हमको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा हम वेतन भिजवा देंगे, तुम्हारा पीएफ भिजवा देंगे, लेकिन आज तक एडीएम महोदय ने भी समझौता कराया और उन्होंने ये कहा कि मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बात कैसे करूँ, आपके ये गुलाम अधिकारी, ठेकेदार के गुलाम अधिकारी, उन्होंने हमारी वादाखिलाफी करवा दी। बहुत शर्म की बात है कि आज हमारा प्रशासन भी हमसे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ वादाखिलाफी की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे घोर घोटाला चल रहा। हमारे वो साथी जो काम कर रहे थे उनको हटा के 50,000 रुपया लेके और उनका नाम डाल दिया, लेकिन वो काम कहीं नहीं कर रहे। अगर हमारे एसडीएम महोदय बुलाना चाहे तो मैं उन कर्मचारियों को बुलाऊंगा और खंभे पे चढ़वाऊंगा। अगर कोई भी उनका कर्मचारी खंभे पे फिर जोड़ देगा तो मैं अपनी जिंदगी निछावर कर दूंगा। चोरों की बात सीधा नहीं चाहता हूँ। तो आपके कहने का मतलब ये है कि दूसरे लोगों को रुपए लेकर के लगाया गया? जी, जी, हमारे साथियों को हटाया गया। अच्छा, ये रुपए किसने लिया? ये लिया है ठेकेदार ने, हमारे अधिकारियों ने, उनकी मिली भगत है इसमें। बैनर खुलवा दे, बैनर। टेंडर आदमी सारे। क्या मामला था और ये जो है भीड़ भाड़ लगी हुई है? क्या हुआ? 4 बजे के बाद ग्राह बनने का प्रोग्राम था। हमारा मकसद उनको परेशान करना नहीं, केवल ग्राह करके अपनी मांग, अपनी प्रतिष्ठा करना था। हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं उनको तत्काल पूरा करें, नहीं तो अनिश्चितकालीन कार्य चलता रहेगा। और पहली मांग यह है कि 4 महीने का वेतन बकाया वो दिया जाए, 10 महीने का ईपीएफ बाकी दिया जाए, और जो जो पिछले 4 सालों में इस कंपनी के पीरियड में समझा कर्मचारी, लगभग 15 समझा कर्मचारी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके परिवार को ईपीएफ दिया का पैसा दिलाया जाए और उनके परिवार को पेंशन बनवाई जाए कंपनी द्वारा। आज जब आप मतलब घेराव करने जा रहे हैं, क्या हुआ फिर? एसी साहब ने पुलिस बुला ली और भाग गया वहाँ से, और पुलिस के सहयोग से वो बाहर निकल गए और एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ। ये शाहजहाँपुर के रोजा थाना क्षेत्र में नकली खाद व जहरीले केमिकल से खाद बनाकर ब्रांडेड कंपनियों के फर्जी बिल व फर्जी कार्ड बनाकर विभिन्न कंपनियों की पैकिंग में नकली खाद सप्लाई करने वाले गिरोह का रोजा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 2 सदस्यों विजय गौड़ व पंकज मिश्रा को नकली खाद के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना रोजा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कायद करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अहम कार्रवाई करी गई है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 2 अभियुक्त जिनका नाम विजय गौड़ और पंकज मिश्रा है, जो निवासी थाना बाजार क्षेत्र के हैं, द्वारा गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई करी गई है। इनके द्वारा नकली खाद बनाई जाती है, खाद में अन्य नकली पदार्थ मिलाकर खाद को बनाकर और किसानों को बेचा जाता है। इस क्रम में खेतों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए इन पर मुकदमा पहले भी लिखवाया गया था इस एक्ट का, और इनके द्वारा इनके ऊपर अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। थाना हाथोई में 1 मुकदमा पंजीकृत, थाना शाहजहाँपुर में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। यह दोनों अभियुक्त अभी जिला कारागार में मौजूद हैं और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कोहरा अधिक होने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, दिन निकलते ही अलीपुर नए बाईपास पर करीब 7:15 बजे लगभग 15 से 20 वाहन कोहरा होने के कारण आपस में भिड़ गए, जिससे लगभग 18 से 20 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बेतरतीब बिखरे वाहनों को क्रेन की मदद से रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे कोई हादसा ना हो सके। हापुड़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। भैया, सुबह का टाइम था, बिल्कुल अराउंड ऐसे 6:30-7 बजे का, विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी,
आगे से किसी ने गाड़ी एक्सीडेंट हुआ आगे सर, फिर सारी जैसे गाड़ी रुकनी चालू हुई लाइन से चली गई गाड़ी। लगभग कितनी गाड़ी ऐसी होंगी? 50-55 के अराउंड गाड़ी होंगी, काफ़ी गाड़ी थी ना। कितनी चोटें आई हैं? चोटें तो इतनी ज़्यादा पता नहीं चल पाई, आगे शायद से दो आदमियों की चोट लगी है, पीछे लगी है, यहाँ बीच में किसी के इतनी ज़्यादा इंजरी किसी को हुई नहीं, माइनर 10-12 लोगों को लगी। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा बाईपास पर आज सुबह घना कोहरे की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद घने कोहरे के ही कारण 15-20 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 18-19 लोग घायल हैं इसमें, जिनको तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से निकटस्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। मौके पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलवा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इस पर पिछले। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहिए रिसेंटली न्यूज़। आपको कैसे समाचार पसंद हैं हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताते रहें, जिससे कि हम आपको ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू कराते रहें और आपके मन पसंद समाचार लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहें।